अरे मैं ही हूँ यार, मैं ही हूँ एक्चुअली। यार लोग सोच रहे हो कि मैंने ये क्यों पहना हुआ है। एक्चुअली होता ही है ना कि यार आपने देखा होगा कि जब गर्मी आती है ना, धूप ज़्यादा तेज़ होती है, तो लड़के जो है उनका रंग काला जाता है, लेकिन लड़कियों का रंग काला नहीं होता। उसके पीछे वजह क्या होती है? वजह ये होती है कि वो जो है वो नकाब करती हैं, बुरका करती हैं, हम लोग जो हैं हम बुरका नकाब नहीं करते। मैंने कहा चलो हम भी ट्राई करते हैं, तो बुरका लेने से तो मैं रहा, दैट्स वाई मैंने ये थोड़ा सा वो नकाब नकूब कर लिया है। देखो मैं वही हूँ, आपके वाला बंदा ही हूँ मैं, टेंशन लेनी। तो थोड़ा सा मुझे जुकाम है और यूनिवर्सिटी जा रहा था, आपको साथ लेके चलते हैं, तो साथ मैंने ये ले लिया, तो आज चलते हैं साथ आपको लेके, ठीक है? आ जाओ। तो खैर यहाँ से हम अपने बैग उठाते हैं, बल्कि रुको मुझे तो बुखार भी है, वो सिरप भी पीना है। तो सिरप हम यूज़ करेंगे, वो पढ़ा था ना हमने कि शेक बिफोर यू ड्रिंक, शेक वेल बिफोर यू ड्रिंक, तो उसको पहले पीते हैं। मज़े कह रहा, अच्छी चीज़ है ये तो। इसका ढक्कन ढुकन करते हैं बंद, तो अब हम हो गए रेडी अपनी यूनिवर्सिटी जाने के लिए। तो आ जाओ जी, ये हमारा माइक्रो सिस्टम लगा हुआ, हमारा बैग उठाते हैं यहाँ से। अच्छा मुझे ना यार जुकाम है काफ़ी ज़्यादा, तो बल्कि बुखार भी था, लेकिन मैंने कहा चलो यार आज की वीडियो बनती है। तो ओए हुए 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 यार, ये जो बाइक है ना, ये लड़के की ख़ास मोहब्बत होती है। लड़के की तीन मोहब्बतें होती हैं, एक उसकी मम्मा, एक उसकी बाइक, उसकी गाड़ी और एक उसकी आहो। ये बड़ी अच्छी बात कही यार। तो बाइक जो है ये बड़ी ख़ास मोहब्बत है कि ये कभी भी धोखा नहीं देती, बल्कि ये तो नस्लों दर नस्लों चलती है। तो मेरी ये बाइक है, पहले वो वाली बाइक थी, लेकिन अब मैं ये वाली बाइक चलाता हूँ, मेरी फेवरेट बाइक है ये वाली। तो मुझे ना गाड़ियों से ज़्यादा शौक जो है वो बाइकों का है, मज़े की बात तो ये। तो चलो जी, पेट्रोल पेट्रोल भी इसमें है, ठीक है। तो बाकी नीचे अपना वो लगा हुआ है, मास्क वगैरह भी, तो ओके हो गया। खैर सफ़र हमने शुरू किया आयतुल कुर्सी पढ़ के, सफ़र की दुआ पढ़ के। आयतुल कुर्सी यार यकीन करो इंतहाई पावरफुल चीज़ है, बल्कि मैंने आपको छोटा सा वाक्य भी सुनाता हूँ कि एक जगह ना, एक अमेरिका का सच्चा वाक्य है कि वहाँ पे ना कुछ हबशी लोग नहीं है, तो वो जो गुंडे टाइप होते हैं वो खड़े होते हैं यूनिवर्सिटी के रास्ते में, तो वो जो बंदा वहाँ गुजरता था ना वो सबको मारते थे और कुछ को ज़ख्मी कर देते थे। तो दो तीन कत्ल भी उन्होंने कर दिए और कुछ को ज़ख्मी भी कर दिया। एक लड़की थी मुसलमान वहाँ पर, अब उसका जो रास्ता था वो रास्ते में पड़ता था, वो बड़ी परेशान थी कि मैं कैसे गुजरूँ यहाँ से, अगर मैं गुजरी तो उन्होंने मुझे मार देना। खैर लड़की ने क्या किया कि उसने आयतुल कुर्सी वगैरह पढ़ पढ़ के वो खैर गुजरी, तो वो गुजर गई, तो उन्होंने गुजरने भी दिया उसको। खैर बात आएगी होगी, कोई दो तीन माह बाद ना वो जो बंदे थे वो पकड़े गए, और पकड़े गए तो उनका जब इंटरव्यू वगैरह हुआ ना, तो उन्होंने बताया कि हमने इतने लोगों को मारा है और एक लड़की जो थी वो हमसे गुजर गई थी। तो खैर उस लड़की को भी बुलाया गया कि हाँ आपने देखे थे, तो उन्होंने पूछा कि आपने इस लड़की को क्यों नहीं मारा। तो वो कहते यार हमने लड़की को इसलिए नहीं मारा कि ये तो इसके साथ दो तीन बंदे थे, इतने बड़े बड़े थे, हमसे भी डबल गुना बड़े, हम तो खुद डर गए कि कहीं वही ना हमें मार दें। खैर वो लड़की से पूछा, लड़की कहती मेरे साथ तो कोई भी नहीं था। तो उन्होंने फिर जाके उनसे पूछा, कहते यार हमने झूठ के बोला, हमें पता हमें फांसी होनी है, तो हमने तो सच बोल रहे हैं कि इस लड़की के साथ दो तीन बंदे थे, कि हम तो खुद डर गए थे उनको देख के, यार ये तो बड़े कोई डरावने किस्म के बंदे हैं, ये हमें कहीं ना ले दे जाएँ। तो लड़की से फिर पूछे, लड़की कहती मैंने जाते हुए वहाँ पढ़ी थी आयतुल कुर्सी। तो आयतुल कुर्सी जो ना, यार यकीन करो ये दो फरिश्ते जो होते हैं इंसान की, वो इर्द गिर्द आ जाते हैं, जो हमें नज़र नहीं आ रहे होते हमारे दुश्मनों के नज़र आ रहे होते हैं। तो ये लाजमी अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लो कि आयतुल कुर्सी पढ़नी है आपने। उसके बाद खैर यार हम यूनिवर्सिटी जा रहे थे, सॉरी मैं यूनिवर्सिटी जा रहा था, मैंने अपना निकाब नकूब किया हुआ था धूप से बचने के लिए। यार यकीन करो कोई पटना पुटना तो बंदा है कोई नहीं, तो अपनी जो है ना वो क्या नाम है, मेकअप शेकअप मैं करता नहीं हूँ, तो मेकअप ये का बस जो जैसे हम हैं उसी को हम बचा के रखें, सही नहीं, सही नहीं कह रहा ऑडियंस में। बाकी ये झील है, ये क्या नाम है इसका, ये समुंदर था अरेबियन सी आता है हमारे रास्ते में ना, तो ये उसका वो पुल था, उसके ऊपर से गुजरे थे हम। खैर सफ़र बड़ा मज़े करा, मैं तो हर चीज़ इंजॉय करते जाता हूँ, साथ अक्सर बातें करता रहता हूँ, तो साथ अक्सर तलावत करता रहता हूँ या फिर कोई और चीज़ चूज़ करते रहता हूँ। तो ये चेक करो जरा मोड़ कैसी आ रही है, चेक करो। मैं ना ज़्यादा तेज़ ड्राइव नहीं कर रहा था बाइक, मैंने कहा यार एक हाथ में फ़ोन है तो मैं भी वो मैं बजाऊँ। खैर यूनिवर्सिटी हमारी आ गई, यूनिवर्सिटी का गेट भी आ गया, तो पार्किंग में हमने बाइक को लगाना, जैसे कि मैंने आपको कहा कि जो बाइक है, अब देखो यार बाइक बाइक कुछ खड़ी करना छाँव के अंदर, तो इसको गर्मी ना ज़्यादा लगे लगे, तो देखो ना बाइक भी तो इंसान है ना। रुको जरा सबर करो, तो बाकी मोहब्बतें तो मोहब्बतें बाद की, लेकिन ये ऐसी मोहब्बत है कि गाड़ी ऐसी मोहब्बत है कि लड़के को यकीन करो क्या ही मज़ा है बाइक का। यार मैं बैठता हूँ मेरी पूरी बॉडी में ताकत ही आ जाती है यार कि मैं अपनी बाइक पे बैठ गया, उतनी खुशी होती है मुझे नहीं बता सकता यार मैं। खैर बाइक यहाँ पर खड़ी की छाँव के अंदर, और उसके बाद मैं चल पड़ा अपनी क्लास की तरफ। मैंने अपना बुरका बुरका किया हुआ था, अच्छा वहाँ मेरी तरफ देख भी रही थी घूर शूर के। खैर वहाँ पर जाके मैंने वो अतर उतर देखा, कौन सा अतर लगाएं, और
खरीद के बाद जा रहे थे यार, यकीन करो ईदी उदी क्या नहीं थी, ईदी उदी बल्कि हमने दी दू भी दोस्तों का भी, वो छोटे छोटे बच्चे थे उनको भी वगैरह दी, तो जेबें जो भी खाली हुई पड़ी हैं यकीन करो, ये चेक करो जेबें खाली हुई पड़ी हैं यार। वो दल्ला, ओ सॉरी, ये कहाँ से आ गए, ये तो मैंने छुपाए हुए थे। तो मैं अभी वाशरूम से बोलता हूँ जाके, तब तक आप इधर ही वेट करो। चला था सामने, मैं हो गया पसंद। 2000 years later. वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करो। गालियां होनी चाहिए। Well done. I got broads in Atlanta. Just to lean the family. Credit cards in the scammers. Hitting the licks in the bank. Legacies.